लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो भाई राजीव है ना, वो बिल्कुल अमेरिकन है, तो ये धूल मिट्टी गर्मी धूप उसको बर्दाश्त नहीं होगी। और बदबू, अगर उसे बदबू आ गई, he will go completely bananas। मेरा मतलब पागल हो जाएगा। जानते हैं वो यहाँ पर आएगा तो क्या होगा? वो ये सब देखेगा और बेहोश हो जाएगा। जी हाँ, पहले बेहोश होगा, उसके बाद होश में आएगा और होश में आने के बाद एले भाग जाएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। वो क्या है, किशोरी लाल ने कल रात को टेलीफोन पे मुझे सब बता दिया था। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। तो अब आप लोग फौरन वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहता हूँ। सबसे पहले इन गायों को यहाँ से हटा दीजिए। तो भैंसे हैं बेटा। हाँ जो भी हैं आंटी। और उसके बाद ये बकरियों को उनके बछड़े समेत मायके भेज दीजिए, राइट? और ये काटता है? नहीं काटता नहीं है, भौंकता है। ओके, इस कुत्ते को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि राजीव को कुत्तों से एलर्जी है। एंड ये यू मैन, ये खाट क्या कुत्ते के लिए है? ये खाट हमारे नौकर रामू की है बेटे। नहीं नहीं आंटी, रामू यहाँ पर नहीं सो सकता। रामू के लिए सेपरेट सर्वेंट क्वार्टर्स बनाइए, सर्वेंट्स का एक डिपार्टमेंट बनाइए, हर चीज का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। अंकल आप तो समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए हमको यहाँ पर सफाई जल्दी से करनी है कि ये जो चारा है तो गोबर है बेटा। रामू रामू, तुम्हारा नाम रामू है, इसे बाहर ले जाओ, इमीडिएटली बाहर फेंको। बेटा गाय और गोबर की सुगंध तो किशोरी लाल को। बाप की नहीं, बेटे की बात कीजिए। माँ जी बेटे की बात कीजिए, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इसलिए सफाई कराना बहुत जरूरी है। सो एवरीबॉडी मूव इट मूव इट मूव इट मूव इट, बहुत बहुत कम है, मूव इट मूव इट मूव इट मूव इट मूव इट। बड़ा अखरू आदमी है दीदी, कहता है हमारे मोती को बाहर कर दो, कहता है रामू को बाहर सुना दो। ये आदमी है या जानवर? डोंट वरी ब्रदर, इस जानवर को मैं जल्दी आदमी बना दूंगा। वो कैसे? इसका उपाय है मेरे पास। क्या करोगे तुम? आइडिया। क्या? वेलकम मिस्टर अर्जुन, वेलकम, कहे हमारी गंगा। आप? मैं दक्षा, कजिन। गुड, बैठ जाइए बैठ जाइए। और आप? पहले हाथ तो मिलाइए सर। पोटला। कजिन? भाई, ओनली ब्रदर। गुड गुड, यहाँ खड़े हो जाइए। वो गंगा नजर नहीं आ रही, गंगा कहाँ पर है? गंगा दीदी आओ ना। नमस्ते जी नमस्ते। गंगा, चश्मा मत उतारिए, मैं ही गंगा हूँ। तो फिर यानी कि आप ही वो गंगा हैं जिसे डैडी ने राजीव के लिए चुना है? हाँ, चाचा जी ने हमें जैसे ही देखा तो कहने लगे इतनी अच्छी गंगा तो सारे भारत में नहीं मिल सकती है ना पोटला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डैडी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप जैसी लड़की पूरे भारत में तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। यहाँ पे कोई टेलीफोन मिलेगा क्या? आप राजीव जी से हमारी बात कराएंगे? हाँ नहीं, मैं आपकी राजीव जी से बिल्कुल बात नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ खुद डैडी जी से बात करूंगा। ओके तुम चलो, आप यहीं पर बैठिए, आप नहीं आ रही, यहाँ बैठिए, तुम चलो ना भाई। हाँ ओके ओके, हाँ ठीक है। जी हाँ, आप कॉल बुक कर लीजिए। थैंक यू। हाँ लाइटनिंग कॉल कीजिए। जी हाँ मुझे मालूम है 8 गुना चार्जेस होंगे, आप 8 गुना लीजिए, 16 गुना लीजिए, 32 गुना लीजिए। देखिए मेरा बात करना बहुत जरूरी है। यू नो मैडम मैडम, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, लाइंस डाउन हो या ना हो, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। यस आई एम टेलिंग यू, यू नो इट्स लाइक दिस बिकॉज ये देखिए अगर लाइंस डाउन भी हैं तो आप प्लीज कोशिश करके मेरी ये लाइन क्या कर रही हैं आप? अरे नहीं नहीं आप नहीं, एक्सक्यूज मी मैडम, अरे आप वहां पर जाकर बैठिए ना प्लीज। हमारी राजीव जी से बात कराइए ना। मैं आपकी राजीव जी से बात नहीं करा सकता, आप प्लीज वहां पर जाकर बैठिए। दक्षा जी आप ये गंगा जी को वहां पर बिठाइए और वहीं बिठा कर रखिए। नितिन जी आप यहीं पर रहिए, आई नीड प्रोटेक्शन। नहीं नहीं मैडम मैं वापस आ गया। हाय हाय मैडम, देखिए मैडम आप हम पर तरस खाइए। हेलो मैडम। हेलो सर, मैंने आपसे कहा था कि 4 घंटे से पहले कॉल लगेगी नहीं सर, एक्चुअली मैडम यहाँ पर कोई अकेली जगह है? बिल्कुल है सर, मैं बिल्कुल अकेलेपन में रहना चाहता हूँ। बिल्कुल रहिए सर। आई डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब। बिल्कुल नहीं सर। और जैसे ही फोन आया आप मुझे बुला लीजिएगा। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। हेलो, आएगा 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 आएगा। थैंक यू। वो देखा राजीव क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है वो। और तुम कहते थे कि वो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता। गंगा गंगा देखो गंगा, ये अमेरिका है और ये डिस्को है, यहाँ पर सिगरेट पीना फैशन माना जाता है। देखो ना यहाँ पर 90% लोग सिगरेट पी रहे हैं। तो राजीव 90% में से है, झूठ बोला ना तुमने मुझसे। हाय, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, वो कौन थी?
बड़ी हाय हाय कर रही थी। Oh, we are going to start what you all must be waiting for. The game made for each other. पता ये बता रहे हैं कि इस म्यूजिकल चेयर के कॉन्टेस्ट में जो लड़का लड़की जीतेंगे उन्हें अपने मन से एक नंबर बताना होगा और अगर उनके नंबरों की जोड़ी इनके ग्रहों के नंबर से मिल गई तो उन्हें मेड इन हेवन का अवार्ड मिलेगा। मेड इन हेवन? ऐसा क्यों? क्योंकि इनके मुताबिक इस दुनिया में बनाई हुई जोड़ी के मुकाबले स्वर्ग में बनाई हुई जोड़ी ज्यादा महान मानी जाती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। राजीव के पास चलें? तुम्हें खेलना है? हाँ। आओ चलते हैं। राजीव क्या? राजीव? गंगा, गंगा मीट माय कॉलेज फ्रेंड केली रॉस। हेलो, हाउ आर यू डू? गंगा, माय फियांसे। राजीव, कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए चलो ना। गंगा, ये बच्चों का खेल है, इसमें मैं क्या करूँगा? तुम एक काम करो, अर्जुन के साथ जाओ और इसमें हिस्सा लो। नहीं, हम अर्जुन के साथ नहीं जाएंगे। क्यों? ये नहीं जाएंगे, एक्चुअली इनको जाना भी नहीं चाहिए। मैं केली के साथ डांस कर लेता हूँ। केली, मे आई हैव दिस डांस विद यू प्लीज? श्योर। मैं चल रही हूँ ना। अरे भाई, एक्सक्यूज मी। चलो। ये ठीक कह रही हैं। हाँ दादी, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी में एक पल ऐसा भी आता है जब कोई किसी का बेटा या बेटी नहीं होते, सिर्फ चाहने वाले होते। एक आशिक जो अपनी माशूका की आंखों में खुद को खो देता है, और एक माशूक जैसे अपनी आशिक की बाहों में सब कुछ मिल जाता है। हम दोनों को भी अपने प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए पिताजी। ना आपकी मोहब्बत, ना आपकी नफरत, ना आपकी दोस्ती, ना आपकी दुश्मनी। हम जा रहे हैं पिताजी। हाँ दादी, हम जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ मोहब्बत के बादलों से रागों की बारिश होती है, जहाँ धरती की हरी उंगलियों पर फूलों की मेहंदी लगती है। चलो प्रिया, रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। ए! राहुल अभी अनाथ नहीं हुआ है लाला। कमीने, मैं जानता था तू और तेरे बेटे ने मेरी बेटी को बहकाया है। घेर लो सालों को। ये गोलियां तो हवा में चली हैं, लेकिन अगली दो गोलियां हमारी छातियों पर चलेंगी। अगर आप लोग हम दोनों को जिंदा देखना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर दोस्ती कर लें, ताकि हम और हमारे साथ सारे शहर वाले अमन से जी सके। मैं इस जलील से हाथ मिलाऊं, नामुमकिन। और मैं इस नमक हराम से दोस्ती करूं, कभी नहीं। अगर ये नहीं हो सकता तो देखिए क्या हो सकता है। प्रभा जी, आप दस्तक गिनिए। ओके। अगर आप दोनों ने हाथ नहीं मिलाया तो हम दोनों भगवान से जा मिलेंगे। एक, दो, तीन, चार। प्रिया, प्रिया मेरी बेटी, अरे अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल कर। राहुल, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था कि तू मेरा सर दुश्मन के कदमों में झुका दे? राहुल प्लीज। आठ? नहीं प्रिया, प्लीज समझने की कोशिश करो। नौ? राहुल तुझे मेरी कसम। सवा नौ? सूरज, मेरी बच्ची को बचा ले। साढ़े नौ? राहुल होश में आ, राहुल होश में आ। पौने दस? बस। हाय, मैं मर गई। हाँ, हम तैयार हैं। आप तैयार हैं? हाँ। अब झगड़ा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे।
शहर में अमन और शांति रखेंगे। बिल्कुल। मुबारक हो। ये सब कैसे हो गया? I don't believe it. I don't believe it. सर, I've done it. मेरे प्लान कामयाब हो गया। चोली के नीचे क्या है? चोली के पीछे टोपी के नीचे क्या है? टोपी के नीचे। अरे चोली के और टोपी के नीचे तो सिर्फ चोरी का माल ही हो सकता है, लेकिन हमारा ये भी ख्याल है कि हमारा बिटवा चोरी नहीं कर सकता। कहे कि उसके बाप के पास बहुत पैसा है। यू राइट बाबूजी। एक्चुअली वो क्या है बाबूजी कि आप कमाई में जो मजा है ना, वो मजा ना बाप कमाई में है ना पाप कमाई में है। तो ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है? जी हाँ, खुद को खतरे में डालकर और अपनी जान की बाजी लगाकर जीते हुए पैसे। शाबाश बेटे, शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बचवा अब जुआ खेलने लगा है? नहीं नहीं बाबूजी, मैं जुआ नहीं खेलता हूं, मैं तो शर्त लगाता हूं। ये देखिए, ये 2,000 रुपए चार माले से पानी में कूदने के, और ये 500 रुपए बॉम्बे से पूना 2.5 घंटे में पहुंचने के, और बाबूजी ये 101 रुपया सर से नारियल तोड़ने का। क्यों, क्या ख्याल है? बहुत खूब। यू मीन टू गुड। एक बात बताओ बिटवा, हमसे तुम हारने का काल हो गए? हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता बाबूजी। तो अगर आपको यकीन ना हो तो लगा लीजिए शर्त। ठीक है, अगर तुम जीत गए बबुआ तो जितने पैसे हैं उसके 10 गुना तुम्हारा, और अगर तुम हार गए तो आज के बाद किसी के साथ तुम शर्त नहीं लगाओगे। मंजूर? मंजूर। ए मंगल। जी सरकार। जरा बंसी से कहो कि मुन्ना के लिए ढेर सारा दूध लेकर आए, बहुत ताकत खर्च होने वाली है। नहीं नहीं, खर्च तो आपके पैसे होने वाले हैं बाबूजी, पूरे 26,000 और 10। अरे बेटा जी, हमारी बात मान लो। हाँ, अपना ये दूसरा हाथ भी लगा दो, लगा दो बेटा, लगा दो। अरे नहीं बाबूजी, आपको हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सरकार दूध। थैंक यू। आई मीन दूध की जरूरत आपको ज्यादा है बाबूजी, आप ही पी लीजिए। बचवा, तुमको पता है ना कि हम दूध नहीं पीते हैं? पता तो है बाबूजी, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों नहीं पीते आप। हम पीते थे बेटा, बहुत शौक से पीते थे। मुझे कुछ नहीं होगा बुआ, तूफान मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे पागल हो गई है क्या? कितने दिनों से मैं इसका इंतजार कर रही थी, ये आज आया है और तुम कहती हो कि मैं इससे ना मिलूं? नहीं बुआ, मैं तूफान से जरूर मिलूंगी, जी भर के मिलूंगी, कोई नहीं रोक सकता आज मुझे इससे मिलने से। अब मत घबराना मेरी जान, आ गया है रोमी तूफान। तुम, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने हवेली में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? हाँ, मोहब्बत और जुर्रत क्या चीज है ये तू क्या जानेगा? कसाई ये दीवाना बनकर रहेगा तुम्हारा परमानेंट जवाई। अरे पकड़ो इस रोमी को और बाहर फेंक दो इसकी लाश। हाय तेरी कमर, हाय तेरी चाल, तुझको देखकर हो गया मेरा बुरा हाल।
मैनेजर, अबे मैनेजर मैं ऊपर हूँ, इधर मैं तुम्हारा बहनोई हूँ। अबे अबे पकड़ आराम से, छोड़ना मत तुझे, पकड़। राधा अरे दानव को बुलाओ, दानव को। कहाँ है दानव? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती रोमी, तुम्हारे बिना मुझे जिंदगी मौत लगती है। मुझे इस घुटन से बाहर निकालो रोमी, मुझे भगा ले जाओ अपने साथ। भागे हमारे दुश्मन मेरी जान, हमें रुकना होगा, हमारी मोहब्बत के आगे इन कमीनों को झुकना होगा। मेरे डायलॉग पसंद आए? डरो मत मेरी जान, प्यार के दुश्मन होते हैं कमजोर। मैं जानती हूँ लेकिन रोमी। दानव, अरे ये तो भूत है। दानव, अंकल, रुको, दानव, हटिए भाई। दानव साहब, अरे मैं इनसे की बात सुनिए। अरे दानव साहब, अरे दानव भैया, दानव अंकल, अरे बाप, अरे समझाइए इनको, ये तो खान का गुस्सा है। अरे दानव भैया, दानव अंकल, दानव चाहे दानव, पकड़ो इसे, अरे फेंको इसे बाप। अरे बच गया, शुक्रिया दोस्तों। अरे दानव लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। जाओ भैया के पास। भैया रोमी तूफान, खतरे जान, कर दिया रोशन हमारा नाम। अरे आगे आगे देखो मामा, देवी माँ के प्रताप से राधा को जल्दी इस घर में ले आऊंगा, उसके बाद ना तो दूध फेंटने की जरूरत पड़ेगी और ना ही अंगीठी सुलगाने की। हाँ हाँ बेटे, सारी उम्र अंगीठी तो हमने सुलगाई और हलवा खाएंगी रानी बिटिया। राधा से आपको क्या तकलीफ है मामा? बल पड़ते ना पेट में इनके। लड़की तो अच्छी है मगर इसकी हरकतें तो देख, पता नहीं क्या क्या करके आया हवेली में। कल पुलिस घर आ गई तो आपको पकड़ेगी। मुझे क्यों? मैं कह दूंगा ये मामा का मास्टरमाइंड है, मैं तो मामा का बस पिट्ठू हूं। हाँ हाँ, देखा आपने लाडले को? अरे मेरी नहीं तो कम से कम अपने भाई की इज्जत का तो ख्याल किया कर, जो कि खुद एक सूट नहीं पहनता और तेरे लिए नाइट सूट तक ले आता है। क्या देख रहे बेटे? आनंद भैया को, काश आज वो यहां होते। मुझसे कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है? क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है? हाँ आप पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है भैया कि इस घर में ज्योति जैसी भाभी नहीं है। ड्रामेबाज है अपना रोमी, ड्रामेबाज। जानता हूँ, तू चाहता है कि मेरी शादी जल्दी से हो जाए ताकि तेरी भी हो जाए। मगर तू फिक्र मत कर बेटे, मैं पहले तेरी शादी करूंगा फिर अपनी करूंगा। भैया इतना बड़ा बलिदान? बलिदान के बच्चे, पहले पढ़ाई पूरी करो, नौकरी करो, बड़ा आदमी बनाओ, फिर शादी करो। नहीं नहीं भैया, मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करूंगा। आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट बिजनेसमैन बनेगा। बाप दादा ने इतनी जायदाद दे दी है ना। आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेसमैन, दैट्स व्हाई आई वॉन्ट टू मैरी अ डॉटर ऑफ अ बिजनेसमैन। डू यू अंडरस्टैंड यू ओल्ड मैन? आई डू अंडरस्टैंड यू यंग मैन। ओह यू मिसअंडरस्टैंड ओल्ड मैन। काश आज माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब तो नहीं सुनना पड़ता ना। ज्यादा डंडे पड़ते बेटे, ज्यादा डंडे, अगर माँ जिंदा होती तो, जैसे हमें पढ़ते थे। यानी एक बात सीरियसली सुन ले बेटे, आज मैं जानता हूं तू राधा से बहुत प्यार करता है। मगर ये एक ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राधा के खानदान और हमारे खानदान में जमीन आसमान का फर्क है बेटे। वो जितने अमीर है उतने ही कमीने हैं। वो तो है, तू जानता है। तो फिर वो तेरे जैसे मासूम जान को अपने हवेली के चौखट पे कुचल देंगे, तुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा। मैं उस चौखट को जला दूंगा भैया। वो जो तुम्हें जेल भेजेंगे उसका क्या? और आप जो मुझे वहां से छुड़ा लोगे उसका क्या? कत्ते नहीं, कत्ते नहीं, कत्ते नहीं। मैं लड़कियों के घर में जाने वाले को सपोर्ट नहीं करता। अरे मैं घर में कहां जाता हूँ भैया, मैं तो राधा से मिलने जाता हूँ बस। देखो बेटे, राधा के किशन, ये बंसी बजाना बंद कर दो वरना एक दिन तुम्हारी खुद की बंसी बज जाएगी। बालों को हाथ मत लगाइए भैया। क्यों?
इसी पे तो मरती है। रीछों के बाल पे भी लोग मरते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग।